हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल्स के पहले अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो हमने बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स कवर किया था। और गाइस, बेसिकली हमने सेल बायोलॉजी शुरू करा है जिसमें कि हमने ऑलरेडी सेल थ्योरी, क्या एक बेसिक सेल के फीचर्स होते हैं और फिर प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है वो कवर कर लिया है ना। तो आई होप आपने वो पिछले सारे वीडियोस देखे होंगे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर जाकर देखिएगा। अभी यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली किस तरीके के सेल्स होंगे वो डिपेंड करेगा कि कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूकैरियोट्स में इंक्लूड होते हैं, है ना। तो यूकैरियोट्स में एक तो आपका इंक्लूड होता है प्रोटिस्ट, है ना, प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा। दूसरा आपका होता है फंजाई, फिर सारे ही प्लांट्स और सारे एनिमल्स, सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स। तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स जो है आपके वो इंक्लूड होते हैं यूकैरियोट्स में, है ना। अब यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर, एक बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत ही डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है साइटोप्लाज्म। और ये किस वजह से डिवाइडेड होता है, क्योंकि इसमें आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना। अब एक डिफरेंस आपको याद दिला दूं, अगर आपने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा है तो, कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत ही एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स के वजह से, ठीक है। अब इसके अलावा जो है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी, मतलब लोकोमोशन के लिए, और साइटोस्केलेटल, है ना, स्केलेटन के लिए, सेल का स्केलेटन के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लियस में। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। बाय ऑर्गेनाइज्ड क्या मतलब, कि जो जेनेटिक मटेरियल है अंदर वो ऑर्गेनाइज्ड होता है क्रोमोसोम्स में, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल नेकेड नहीं होता है, ये एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है ना, ये एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है। उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। तो यही एक डिफरेंस फिर से प्लांट, सॉरी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में आ गया, कि प्रोकैरियोटिक सेल में दो जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है नेकेड, मतलब कि न्यूक्लियर एनवेलप या कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है ना। साइटोप्लाज्म में ही लाई करता है जेनेटिक मटेरियल नेकेड, ठीक है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस हो गया। अब आते हैं कि बेसिकली जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो क्या सारे एक जैसे होते हैं, तो वो नहीं होते हैं, है ना। सारे यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसे नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लांट और एनिमल सेल्स को कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, वैक्यूल होता है एक बहुत बड़ा सा सेंटर में, है ना। ये सारी चीजें एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। और अगर एनिमल सेल की बात करें आप, तो जैसे एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि प्लांट सेल में नहीं होते हैं। तो एक बार प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम विथ प्रॉपर लेबलिंग, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या ऑर्गेनल्स एग्जैक्टली प्लांट सेल में होते हैं और क्या क्या एनिमल सेल में होते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं प्लांट सेल में क्या क्या होता है। तो गाइस, ये है प्लांट सेल, ये है प्लांट सेल, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो बाहर का सबसे जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल वॉल होता है, ठीक है।
सेल वॉल के बाद एक पार्टीशन होता है, उसको बोलते हैं मिडिल लैमेला। और इसके बाद जो लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो ये हो गया बाहर का, बाहर की लेयर। ठीक है, अब आते हैं न्यूक्लियस। बहुत ही वेल डिफाइंड है, तो न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है और ये कवर्ड है न्यूक्लियर एनवेलप से। ठीक है, सेंटर में क्या हमने बोला, एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है, बहुत बड़ा सा सेंटर में वैक्यूल होता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपके गॉल्जी अपैरेटस है, ये है आपका पावर हाउस सेल का, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये है आपके राइबोसोम्स, फिर है क्लोरोप्लास्ट, है ना। अब अंदर जो पूरा आपका मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना। तो ये है पूरा, ये जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है ये पूरा, है ना, ये पूरा मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म। ये है आपके पेरोक्सिजोम, ठीक है, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये बाहर आपको एक ऐसे ओपनिंग सी दिख रही है ना, सेल वॉल के में बेसिकली ओपनिंग सी है, इसको बोलते हैं प्लाज्मो डेस्मेटा। ठीक है, ये अंदर जो दिख रहे हैं ये लाइजोजोम है। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये जो आपको दिख रहा है बेसिकली ये स्मूथ है, इसके ऊपर आपको कुछ दिख नहीं रहा है ना, है ना, ये बिल्कुल स्मूथ है। और कुछ दिख रहे हैं जिसके ऊपर आपको सर्क्यूलर से कुछ ये छोटे 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 बीड्स जैसे दिख रहे हैं, ये रफ बना देते हैं बेसिकली सरफेस को, इसलिए नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनका, स्मूथ। इसमें यहाँ पर आपको इन सारे ऑर्गेनल्स के फंक्शन नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये एनी विच वेज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले, अभी हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं प्लांट सेल का। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा प्लांट सेल। अब देखते हैं एनिमल सेल, देखते हैं एनिमल सेल। ठीक है, ये है आपका एनिमल सेल। ठीक है, कुछ चीजें कॉमन होंगी, जैसे कि यहां भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा। तो ये जो आपको एक ये लेयर दिख रही है मेम्ब्रेन की, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर आपको दिख रहे हैं माइक्रो विलाइज। ठीक है, अब अगर आप न्यूक्लियस पे आ जाएंगे तो ये है आपका न्यूक्लियस, अंदर है न्यूक्लियोलस जैसे कि प्लांट सेल में था, और वो रैप्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर या न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, गॉल्जी अपैरेटस है, ना, सेंट्रियोल है जो कि प्लांट सेल में नहीं होता है, पेरोक्सिजोम है, लाइजोजोम है, राइबोजोम्स हैं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है मैट्रिक्स इसमें भी, और फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है।
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो ये हो गया इंटायर स्ट्रक्चर एनिमल सेल का, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिसिंग दिख रहे हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट्स नहीं है, बड़ा सा वो वैक्यूल नहीं है जो स्पेस ले रहा था प्लांट सेल में। यहाँ पर आपको माइक्रोविलाइज कुछ एक्सटेंशंस दिख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो प्लांट सेल में नहीं थे, है ना। तो एक बार दोनों सेल अगर हम साथ में कंपेयर करें, स्ट्रक्चर सिर्फ, तो आप सिर्फ स्ट्रक्चर देखकर ही डिफरेंस समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये दो एक साथ मैंने रख दिए दोनों स्ट्रक्चर्स। अब ये दो देखकर भी क्या समझ रहा है कि बाहर एक तो आप देखिए ये इसमें इसमें दो दो लेयर्स हैं, है ना, इसमें दो लेयर हैं और बीच में एक डिवीजन है। बट एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं है, एनिमल सेल में सिंपल एक सिंगल लेयर है ना। अभी उसके अलावा क्या है, यहाँ पर आपको इतना बड़ा सा एक सेंट्रल वैक्यूल दिख रहा है जो कि यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं जो कि यहाँ पर मिसिंग है। इसमें आपका क्योंकि बाहर के लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसके कुछ एक्सटेंशंस बन गए हैं माइक्रोविलाई, इसका फंक्शन भी हम देखेंगे, है ना। जो हमारे साइटोस्केलेटन जो है, जो लोकोमोटरी फंक्शंस हैं और कुछ ऐसे एक्सटेंशंस हैं, उसके भी हम आगे क्लियर कट फंक्शंस देखेंगे, है ना। फिर तो यहाँ पर बेसिकली सेंट्रियोल्स हैं और यहाँ पर नहीं है, है ना। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये सेंट्रियोल का है और प्लांट सेल में वो नहीं है। तो गाइस ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल का, जो प्लांट सेल भी एक यूकैरियोटिक सेल है और एनिमल सेल भी एक यूकैरियोटिक सेल है। सो आई होप आपको बेसिक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, आपको ये समझ में आ गया है कि प्लांट सेल कैसा दिखता है और एनिमल कैसा दिखता है और बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। अभी आगे के वीडियोस में हम एक एक करके जो भी आपका बेसिकली जो भी इंटायर स्ट्रक्चर है उसको पूरा ब्रेक डाउन करके हम पूरा उनका जो आउटर स्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन वो भी डिटेल में पढ़ेंगे, और अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको भी डिटेल में देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक बार हम एनसीईआरटी खत्म कर देंगे तो हम दूसरी बुक्स भी और इन डेप्थ में भी कवर करेंगे, ठीक है। सो आई गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया क्लियरली। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से जरूर पूछिए, आप मुझे या तो कमेंट करके ही बता दीजिए और मैं क्लियर कर दूंगी डाउट कमेंट में ही, या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट जो भी है, जो भी नहीं समझ में आया, या अगर आपको समझ में भी आया, आपको वीडियो अच्छा लगा, आप कमेंट करके मुझे बताइए जरूर, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, फ्रेंड्स जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं उनसे शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट मैं जितने भी आगे वीडियोस अपलोड करूँ उसकी अपडेट आपको मिलते रहे, ठीक है। थैंक्स गाइस, बाय बाय।